लाइक लाइक एंड एंड सब्सक्राइब। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। अलग नहीं है। सुनीता ने अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया, क्या मैं तुम्हारी कुछ राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित, मैं दुकान पर खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। कहते कि मैं कोई, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। पर तू इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं भी सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हाँ? हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी।